कामरान खान की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स होती है, मुर्गियां तक अंडे की कीमत कम करने से पहले खान साहब को बताती हैं। कामरान खान ऐसे एंकर हैं जिनका प्रोग्राम जब शुरू होता है तो पाकिस्तान की इकानमी और मुल्की हालात बेहतर हो जाते हैं, और तब तक बेहतर रहते हैं जब तक उनका प्रोग्राम चलता रहता है। अच्छा एंकर पर्सन वो होता है जिसे पता हो कब बोलना है और कब चुप होना है, जिसे ये पता ना हो उसे सीनियर एंकर कहते हैं। एक जापानी, पाकिस्तानी और अमरीकी बातें कर रहे थे। जापानी ने कहा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि घर का काम रोबोट करते हैं। अमरीकी ने कहा, हमारे यहाँ रोबोट टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई ममालक में हमारे रोबोट हुकूमत करते हैं। पाकिस्तानी ने कहा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे यहाँ रोबोट एंकर पर्सन हैं जिनके सॉफ्टवेयर बाकायदगी से अपलोड किए जाते हैं। तारीख की किताबों में अक्सर पढ़ा था, रावी चैन लिखता है। जानना चाहते थे ये रावी कौन है जो चैन ही लिखता है। अब पता चला कि ये दुनियन टीवी पे आज कामरान खान के नाम से शो करता है। पीटीवी के ज़माने में जिस ड्रामे की ड्यूरेशन कम होती उसमें एक्टर तलत हुसैन साहब को कास्ट कर लिया जाता। वो बोलते हुए इतने पाज लेते कि 25 मिनट का ड्रामे की ड्यूरेशन 40 मिनट हो जाती। ऐसे ही कामरान खान भी शो तो घंटे का करते हैं मगर इतना रुक रुक कर बोलते हैं कि चैनल उसे डेढ़ घंटे के स्लॉट में चलाता है। मुबशर लुकमान तो कामरान खान को एंकर पर्सन नहीं मानता। मुबशर के नज़दीक एंकर पर्सन की ब्रेकें नहीं होनी चाहिए, बस रिमोट होना चाहिए। खान साहब इतने पुराने और सीनियर साफ़ी हैं कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो तक मतरूक हो चुके हैं। इतने पुराने हैं कि उनके ज़माने में एजेंसियाँ भी साफ़ियों को 1000-2000 दिया करती थी। कामरान खान की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स होती है, मुर्गियाँ तक अंडे की कीमत कम करने से पहले खान साहब को बताती हैं। कामरान खान ऐसे एंकर हैं जिनका प्रोग्राम जब शुरू होता है तो पाकिस्तान की इकानमी और मुल्की हालात बेहतर हो जाते हैं, और तब तक बेहतर रहते हैं जब तक उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उन्होंने इमरान खान का ऐसा इंटरव्यू किया कि आखिर तक लोगों को पता न चला कि उन्होंने इमरान खान से इंटरव्यू लिया है या इंटरव्यू दिया है। सुहेल वड़ैच हमारे वो टीवी होस्ट हैं जो अपने प्रोग्राम में भी होस्ट नहीं होते, किसी ना किसी के गेस्ट होते हैं। हामिद मीर वो सहाफ़ी है जिसको 2 मिनट सुन लो तो लगता है अभी एजेंसियाँ उठा के ले जाएंगे, और 5 मिनट सुन लो तो घर फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि कहीं हमें उठा तो नहीं लिया गया। अलबत्ता उनका शो देख लो तो लगेगा कुछ नहीं होगा। बहसीयत सहाफ़ी उनका कद इतना बड़ा है कि हम जैसे सहाफ़ी उनसे कूद कर खुदकुशी कर सकते हैं।